हेलो बच्चों, हम अपने लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। कौन सा? विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, है ना। इसका पहला वीडियो में हमने पूरे कॉन्सेप्ट समझ गए थे। अब लास्ट का बचा था, मैंने क्या बोला था, विद्युत मोटर, डायनेमो, इन सब के बारे में बताऊंगी, क्योंकि तीन चार क्वेश्चन है जो 5 नंबर के में आते हैं और उसी को डील करेंगे। फिर पूरा चैप्टर खत्म, आपका पूरा साइंस खत्म। चलो पहले चैप्टर पे जाते हैं, फिर हम पेपर की बात करेंगे, ठीक है। हमारा चैप्टर क्या था भाई? विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। इससे पहले आप पूरा चीजें कॉन्सेप्ट समझ चुके, अब इससे क्या 5 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं उसको देखना, ठीक है। तो फिर से याद कर लो, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, लेफ्ट हैंड रूल क्या था भाई? ये क्या बताता है? चुंबकीय बल की रेखाएं, ये धारा की दिशा, तो ये क्या होगी? बल की दिशा, ठीक। अगर चुंबकीय बल रेखा ऐसे जा रही है, धारा इधर लग रही है, तो बल किधर लगेगा? इधर। वहीं अगर ये देख लो, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं ऐसी जा रही हैं, ठीक, धारा की दिशा इधर आ रही है, तो बल किधर लगेगा? ऊपर की ओर। और ऐसा कर दो, चुंबकीय बल रेखाएं इधर जा रही हैं, धारा नीचे बह रही है, तो बल किधर लगेगा? आपकी ओर। तो इसी से क्या है, हम विद्युत मोटर पे इसी यही बाल करता है कि विद्युत मोटर पे क्या है, हम धारा करंट फ्लो कराते हैं और दो मैग्नेट रख देते हैं, ठीक। मैग्नेट रखेंगे तो क्या विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, तो ये दोनों ऐसे बहेंगी तो क्या हो जाएगा, ये आपकी बल की दिशा। फिर क्या है, विद्युत मोटर काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या था, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब आ जाओ विद्युत मोटर। देखो आपके घर में पानी वाने के लिए करते होंगे, पानी है ना, बोर वोर लगा होगा, ये पानी टंकी ऊपर चढ़ाते, मिक्सी देखे हो, है ना, मिक्सी में ऐसे नीचे तो रहता है लेकिन ऊपर में क्या है, पंखे लगे रहते हैं, ठीक है। पंखा आपका जब खोलते हो तो देखते हो पंखा के अंदर मैग्नेट रहता है ना, तो ये ऐसी रहता है जो क्या है, उसको घुमाने के लिए काम करता है। तो यही क्या है, तो विद्युत मोटर का काम होता है, ठीक है। तो विद्युत मोटर से क्वेश्चन देखो क्या होगा, विद्युत मोटर का उपयोग किन किन उपकरणों में किया जाता है भाई? तो कहाँ किया जाता है विद्युत मोटर का उपयोग? निम्न उपकरणों में किया जाता है, विद्युत पंखों, प्रतिष्ठितों, कपड़ा धुलाई मशीनों, कंप्यूटरों, मिक्सी, इन सब में किया जाता है। ये आंसर आप लिखोगे। अब विद्युत मोटर क्या है? तो विद्युत मोटर एक साधन है जिसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। सिंपल सी साधन है जिसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। पंखा चालू करते हो, पंखा घूमता है ना, ऐसे 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 कैसे घूमता है? आपने बटन चालू किया, बटन चालू करते ही क्या, पंखा घूमने लगता है। तो किस पे काम करता है भाई? हमारे विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पे। कैसे भाई? कि आप एक और आपने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र डेवलप कर दिया, धारा दिया, तो क्या है, बल लगेगा। बल लगेगा तो क्या है, चीजें घूमने शुरू कर देती है, ठीक। ये था क्या, विद्युत मोटर का सिद्धांत, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन को देखो, ये क्या है, 5 मार्क्स में आएगा, ठीक, 5 मार्क्स में आएगा। क्वेश्चन क्या है, विद्युत मोटर का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के आधार पर कीजिए, चित्र बनाना है, सिद्धांत बताना है, कार्यविधि, ठीक है। पहले सिद्धांत क्या है भाई, विद्युत मोटर क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मतलब क्या है, पहले क्या करना पड़ेगा हमें, वहां पे विद्युत क्षेत्र डेवलप करना पड़ेगा, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र डेवलप करना पड़ेगा, धारा प्रवाह करनी पड़ेगी, तब क्या होगा, बल लगेगा। बल लगेगा तो क्या है, चीजें घूमेंगी, है ना। आप मिक्सी को घुमाना है, बटन घुमाएंगे, बटन घुमाएंगे तो क्या होगा, बिजली तो आ गई, तो बटन घुमाने से क्या होगा, उसको बल, चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होगा, चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होगा तो क्या होगा, वो उसमें बल लगेगा और मिक्सी घूमेगा, ठीक। चलो देखो, ये आपको क्या दिख रहा है, एक दो चुंबक दिख रहे हैं, इस पे क्या है, इधर से धारा दिशा जा रही है, ठीक। अब देखो धारा की दिशा इधर गई, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल अभी देखे थे, है ना, धारा की दिशा ऐसे जा रही है, ठीक। अब देखो नॉर्थ टू साउथ क्या होगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र डेवलप, नॉर्थ से साउथ जाती है, चुंबकीय क्षेत्र दिशा धारा, सॉरी चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है, ठीक। तो ये क्या दिखा रही है, चुंबकीय बल रेखाएं, धारा जा रही है ऐसे, ठीक, धारा इधर गई, चुंबकीय बल रेखा ये, तो ये क्या हो रही है, बल किधर लग रहा है, नीचे की ओर, तो ये प्लेट किधर की आई जाएगी, नीचे की ओर, ठीक। अब आ जाओ इधर, ठीक, धारा किधर आ रही है, बाहर की ओर, इधर आ रही है, चुंबकीय बल रेखा इसी दिशा में है, तो बल कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। तो ये वाला जो सिरा है, देखो ये मैग्नेट N और S, ठीक है, जिसमें क्या है, धारक चुंबकीय बल रेखा इधर है, ठीक। अब हमने क्या किया भाई, इस पे एक आयताकार कुंड वो रख दिया, तार रख दिया, ठीक। अब इस पे करंट फ्लो करेंगे, करंट इधर से जाएगी, ठीक, तो क्या होगा, करंट इधर जा रही है, ठीक, ऐसे जा रही है, चुंबकीय बल रेखा इधर है, तो ये क्या होगा, नीचे की ओर जाएगी, ये वाला भाग AB भाग नीचे जाएगा, ठीक। अब इधर आ जाओ, इधर आ रही है ये, तो ये क्या होगा, ये वाला भाग ऊपर आएगा, ठीक, तो ये क्या होगा, ऐसे आएगा। अब इसको फिर वापस पलटाना है, तो इसके लिए पलटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके साथ दिक परिवर्तक, ठीक, दिक परिवर्तक यूज किया, अब दिक परिवर्तक हमने लगा दिया,
लेकिन दिक परिवर्तक को अगर बार बार घुमाएगा तो क्या करेगा, वो पूरे प्लेट को क्या करेगा, उलझा देगा तारों को। इसलिए क्या करेंगे हम, इसमें ब्रूश लगाएंगे कि भाई ये क्या है, क्या अगर ये तार से इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये पूरे वायर को उलझा देगा। इसलिए क्या करेंगे, ब्रूश लगाएंगे कि सिर्फ ये घूमे और ये क्या है, स्टेबल रहे। ठीक, ये बन गया हमारा विद्युत मोटर। इतना ही तो बनाना है और यही सिद्धांत है। क्या बताना भाई कि हम क्या करते हैं, आयताकार कुंडली तार को दो स्थायी चुंबकों के बीच रखते हैं, जिसमें क्या है, धारा हम ए बी दिशा में लेके जाएंगे तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होगा, धारा की दिशा ए बी से एक बी की ओर होगी, विद्युत बल रेखा इधर जाएंगी, तब प्लेट क्या है नीचे की ओर जाएगी। जब धारा दिशा सीट से डी की ओर आएगी तो बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ जाएंगी, तब क्या है प्लेट ऊपर आएंगी, तब इसके अनुसार क्या होगा, प्लेट क्या है घूमना शुरू कर देगी। इतनी चीजें तो बतानी है, घूमना शुरू कर दी तो क्या हुआ, दिक परिवर्तक मतलब सॉरी क्या, विद्युत मोटर काम करने लग गया। और क्या है, नहीं समझ आ रहा बताओ, नहीं समझ आया, चलो डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं। ठीक, साथ में बनाते चलो। ठीक है, पहले ऐसा बनाओ, ये बना लो, पहले नॉर्थ और साउथ बना लिए, इतना बना। अब क्या बनाओ, एक आयताकार, ये बन गया ए बी सी डी। ठीक है, आप लोग स्केल से बनाइएगा, है ना, प्रैक्टिस कर लो अभी। अब क्या करो, इस पे क्या लगा दिया आपने, दिक परिवर्तक लगा दिया। दिक परिवर्तक को किससे जोड़ा, ब्रू से जोड़ा। ठीक, अब इसको क्या किए हम, बैटरी से तार के थ्रू कनेक्ट कर दिए। कुंजी, कुंजी बंद मतलब बटन बन गया, तो क्या किया भाई, धारा बही, धारा बही तो क्या होगा, ये नीचे की ओर आएगा, बल नीचे, सी से डी की ओर आएगा तो बल ऊपर की दिशा में लगेगा। हो तो गया, इतना ही तो बनाना था आपको, बस नामांकन कर दो भाई, क्योंकि चित्र को, ये क्या हुआ, स्थायी चुंबक, आयताकार कुंडली। ठीक, ये क्या है, दिक परिवर्तक, ये क्या है, कार्बन ब्रूश, ये क्या हुआ, धारा की दिशा, और क्या बताना, पूरा डायग्राम बन गया। यही डायग्राम बनाना है, सिद्धांत लिख लो भाई। विद्युत मोटर वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक रखने पर एक बल आरोपित होता है जो चालक को किसी अक्ष पर घुमाता है। क्या बोल रहे हैं, इस सिद्धांत पर काम करते कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक रखने पर उस पर बल कार्य करता है जो उसको घुमाता है। तो जब वो घुमाएगा तो क्या है, पंखा चलेगा, पंखा चलेगा तो हवा आएगी भैया, गर्मी आने वाली है, कूलर चलाओगे, पंखा चलाओगे, सब चलाओगे, इसी पे काम करेगा। ठीक, देखो क्या बोलते, कूलर खराब हो गया तो मोटर ला बदल पड़ी की थी ना, मोटर ला, तो मोटर कैसे काम करता है भाई, चुंबकीय क्यों काम करता है, उसमें चुंबक रहते हैं और ऐसा तार वार नहीं रहता, वो क्या है एक ठो कैसे गोल लंबा से रहता है और बहुत सारे, एक ठो पतले ऐसा नहीं दिखता, उसे क्या बहुत सारे पंखे के दिखाते हैं, वो पूरा घूमता है, तो ये क्या इसी पे काम करता है। ठीक, कार्यविधि देखोगे तो इस तांबे की एक आयताकार कुंडली एबीसीडी है जिस पर विद्युत रोधी आवरण लगा होता है, यह आयताकार फ्रेम बनी होती है, ये हो गया। ठीक, दूसरा स्टेप जिसमें आर्मेचर कहते हैं, आर्मेचर एक स्थायी चुंबक अवताकार ध्रुवों के मध्य स्थित होता है, स्थायी चुंबक, ये स्थायी चुंबकों के मध्य रहता है। ठीक, आगे आ जाओ, मध्य एक अक्ष घूमने के लिए स्वतंत्र होती है, कुंडली के सिरे पी व क्यू सर्पी बेलों से जुड़े होते हैं, सर्पी वाले मतलब जिसको हमने कहा ना, हम क्या कर, आर्थिक परिवर्तक वही पी और क्यू है, सर्पी वाले में धारा स्रोत कुंजी से जुड़े रहते हैं। मान लीजिए किसी क्षण आर्मेचर ए बी सी डी क्षैतिज अवस्था में है, कुंडली में चित्रानुसार धारा प्रभावित करने पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम अनुसार ए बी पर एक बल नीचे की ओर जाएगा, सी डी पर एक बल ऊपर की ओर आएगा, इस प्रकार यह दो बार एक विपरीत बलों का युग्म बन जाता है, एक साइड नीचे एक साइड ऊपर, फिर वो क्या होगा, उल्टा ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर देता है। ठीक, जो कुंडली को बड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाता है, आधे चक्कर के पश्चात पी व क्यू की स्थिति बदल जाती है और जिसके कारण ए बी ऊपर की ओर, सी डी नीचे कहता है, एक बार नीचे ऊपर आया फिर ये उल्टा, तो ये क्या है, पूरा ऐसे ऐसे गोल गोल घूमना शुरू कर देता है, इस प्रकार कुंडली बराबर घूमती है।
और मोटर काम करता है, इतना ही तो लिखना था। हो गया विद्युत मोटर। अब बताओ नहीं आया क्या समाज? लिख लोगे? आगे बढ़ूँ, इसके नोट्स फिर से बोल रही हूँ, इसको पूरा तीनों क्वेश्चंस को लिख के दे दूंगी, पढ़ लेना, चित्र अच्छे से देख लेना, ठीक? चलो आगे आ जाओ। ये हमने जब एस और एन पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था भाई? अगर धारा ऐसे बह रही है ना, तो क्या होगा? अंदर की ओर जाएगी, यहां से अंदर की ओर जाएगी, यहां अंदर की ओर जाएगी, और अंदर की ओर जाती है तो कौन सा पोल बन जाता है? साउथ। तो करंट कौन से दिशा में जा रहा है? क्लॉकवाइज। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो देखो, कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली को किसी धारा मापी से जोड़िए। ठीक है, जोड़ दिए। क्या होगा यदि दंड चुंबक को कुंडली में धकेल जाए? कुंडली में डालोगे तो क्या होगा भाई? इस स्थिति में कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। यदि उत्तर ध्रुव कुंडली में धकेल रहे हैं तो कुंडली धारा दिशा की घड़ी में, घड़ी की विपरीत दिशा में आएगी, है ना? हमने वही, अगर नॉर्थ को जा रहे हो तो क्या होगा? प्रेरित धारा विपरीत आएगी। और क्या है, साउथ पोल में जाओगे तो ये क्लॉकवाइज चलेगी। ठीक, यदि कुंडली में दक्षिण ध्रुव धकेलेंगे तो कुंडली धारा की दिशा की घड़ी, कुंडली में धारा की दिशा घड़ी की दिशा में होगी। बस यही चीज है, बताया था ना, धारा की दिशा अगर क्लॉकवाइज है तो दक्षिण, इसी को उल्टा बोल दो, दक्षिण ध्रुव है, ठीक है, तो धारा की दिशा क्या होगी? घड़ी की ध्रुव की दिशा में। वहीं अगर ये नॉर्थ है, उत्तरी ध्रुव है, तो धारा की दिशा क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा के विपरीत। ठीक है, इतनी चीजें बतानी है वहां पे। ठीक, दूसरा कंडीशन, कुंडली के भीतर स्थित रखा जाए तो क्या होगा भाई? इस स्थिति में कुंडली में धारा प्रभावित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको वहां पे डेवलप करना है तो आपको एक दिशा देनी होगी। तो अगर कुंडली के भीतर रखेंगे तो वहां पे कोई भी धारा प्रभावित नहीं होगी। ठीक, तीसरा, कुंडली के भीतर से बाहर खींचा जाए तो क्या होगा? अंदर से बाहर खींच रहे हो, है ना? तो यदि कुंडली से दक्षिण ध्रुव की तरफ चुंबक को बाहर निकालेंगे तो कुंडली धारा के वामावर्त, वही क्लॉकवाइज। यदि उत्तरी ध्रुव बाहर निकालेंगे तो कुंडली धारा के दक्षिणावर्त, यही बस याद कर लो। उत्तरी ध्रुव होगा मतलब दक्षिणावर्त, मतलब क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा के विपरीत। दक्षिणी ध्रुव होगा तो क्या होगा? घड़ी की दिशा के ओर। ठीक है, इतनी चीजें लिख लो, सब कुछ बन जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किसी दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर चुंबकीय बल रेखाएं खींचने संबंधित प्रयोग का वर्णन कीजिए। ठीक, मतलब क्या है? आपको ये आपने चुंबक रखा, प्रैक्टिकल किए कि नहीं किए थे स्कूल में? किए थे ना, नॉर्थ साउथ। अब चुंबक को ऐसे रखे, ये ऐसा बताया, यहाँ पॉइंट रखे, फिर यहाँ पे रखे, फिर ये बताया, फिर यहाँ पे रखे, ये 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 ये। अब इसको हटा दोगे तो फिर क्या करोगे? फिर क्या किए? ऐसी बनाते थे ना, है ना? तो चलो इसका प्रायोगिक चित्र बना लेते हैं भाई। ये देखो ऐसा बनता है, है ना? ये आपका चुंबकीय चुंबक रखा तो फिर क्या होगा? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ऐसे आता है। तो आप वहां पे प्रैक्टिकल तो नहीं करोगे, तो आपको बना के बताना होगा। बना के बताओगे तो कैसे बना दोगे भाई? ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाना, ठीक है? स्केल से बनाओगे आप, है ना? इस तरीके से क्या है, आप डायग्राम बनाओगे, ठीक है? और धारा की दिशा, बल की रेखाओं की दिशा क्या होगी? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है? ये इधर से निकलेंगी, ये इधर से निकलेंगी, ठीक है? ये इधर से निकलेंगी। अब अंदर का तो नहीं दिखाओगे क्योंकि वहां पे हमें अंदर का पता ही चलता है, सिर्फ बाहर का पता चलता है। तो आप क्या करोगे, इस तरह का डायग्राम बना दोगे। ठीक, अब क्या बोला है, प्रयोग विधि। तो क्या बोलोगे? सर्वप्रथम हम कागज के तल पर क्या रखेंगे? मैग्नेटिक बार रखेंगे, ठीक? सफेद कागज के समतल पर रखकर उत्तर दक्षिण
ज्ञात करके दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक उत्तर की ओर और रखकर चुंबक की सीमाएं रेखाएं खींचेंगे, है ना। क्या करोगे भाई, ऐसा चुंबक रखे, है ना, उसके बाद क्या करोगे उसका आप बताओगे कि हाँ हमने ऐसा चुंबक बनाया, ठीक। ये हुआ, उसके बाद क्या बताओगे भाई कि इसके पश्चात चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास एक बिंदु लेकर दिक्सूची को इस प्रकार रखते हैं कि दिक्सूची की दिशा दक्षिणी ध्रुव बनाए गए बिंदु की ओर हो तथा सुई के दूसरे सिरे पर पेंसिल रखकर बिंदु बनाते हैं, है ना, वही करते हो। ये बनाया, यहाँ पे एक पॉइंट रखा, फिर क्या किया इसको रखोगे, फिर ये दिशा दिशा दिखा रही वहाँ पॉइंट करोगे, फिर एक फिर ये दिशा पॉइंट रखेगी, यही करते हो ना प्रैक्टिकल में, ठीक है, उसी को लिखना है। फिर दिक्सूची को उठाकर इस प्रकार रखते हैं कि इनकी दक्षिणी ध्रुव लगाए गए बिंदु की ओर हो, इसके पश्चात पुनः इस क्रिया को सुई के उत्तरी ध्रुव के पास पेंसिल के बूंदे लगाते, मतलब बार बार वो प्रैक्टिस को निभाते हो, ठीक। इस क्रिया को दोहराते हुए चुंबक के दक्षिणी ध्रुव तक जाते हैं और उत्तर से दक्षिण की ओर बिंदु मिलाते हुए इन सभी बिंदुओं को मिलाने पर एक वक्र रेखा जिसके चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं, ठीक। इसी प्रकार उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से अनेक बल रेखाएं खींचते हैं और तीर का निशान बनाकर बल रेखाओं के मध्य में एक वक्री चतुर्भुज प्राप्त होता है जिसे अंदर उदासीन बिंदु मिलता है। क्या होता है, बीच में ऐसा होता है जहाँ पे आपको कुछ धारा नहीं, मतलब कुछ दिशा नहीं मिलती, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उदासीन बिंदु, ठीक। चुंबक के मध्य से उदासीन बिंदु तक दूरी नापते हैं, ठीक, यहाँ तक की दूरी नापते हैं बस। अब इसमें सावधानियां क्या रखनी है, प्रयोग के दौरान ड्राइंग बोर्ड और चुंबक हिलना नहीं चाहिए, चुंबक की स्थिति स्वतंत्र होनी चाहिए, चुंबक अत्यधिक प्रबल नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक। तो इस तरीके से इतनी चीज़ें आप लिख दोगे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और ड्राइंग बनाना, ड्राइंग बहुत अच्छे से बनाना, सबसे ज़्यादा फिजिक्स अगर साइंस में है आपको ड्राइंग बनाना है, ड्राइंग बनाओगे जितना उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये मत सोचना दो मार्क्स का क्वेश्चन है ड्राइंग, दो मार्क्स में भी लगता है ना, लेंस का लेंस के दो गुण पूछे हैं या लेंस के प्रतिबिंब पूछा है, आप डायग्राम बनाओ, भले दो मार्क्स का तीन मार्क्स का डायग्राम बनाओ तभी ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक। चलो अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, विद्युत जनित्र का वर्णन करके शीर्षकों के अंतर्गत लिखिए, क्या नामांकित आरेख, सिद्धांत और कार्यविधि। अब क्या बताना है हमें, डायनामो बताना है, ठीक। चलो ये था क्या था हमारा लेफ्ट हैंड रूल था, अब आ जाओ राइट हैंड रूल पे। इसमें क्या था भाई, अगर ये क्या बताती है बल की रेखाएं और ये गति, तो ये क्या बताएंगी हमेशा, ये क्या बताएगी अगर आपको बल की रेखा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, ये क्या बताएगी गति, तो ये क्या बताएगी विद्युत धारा, प्रेरित धारा, है ना। क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में हम बल कोई गति करा रहे हैं किसी चीज़ों को, तो क्या है बल, धारा अपने आप स्वतः प्रेरित होती है, मतलब धारा अपने आप आएगी बनेगी, तो यही बनी हुई धारा को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेरित धारा, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र डेवलप करेंगे, वहाँ पर गति कराएंगे, चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएंगे किसी चालक को, तो क्या होगा उसमें धारा प्रभावित होगी, यही क्या है डायनेमो, हम लोग जनरेटर लगाते हैं शादी पार्टियों में वो यही होता है, तो इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, किसके, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के रूल पर, जिसमें अगर चुंबकीय बल रेखाएं और गति की एक दूसरे के लंबवत हो तो मध्यमा क्या बताती है, प्रेरित धारा की दिशा बताती है, ठीक। चलो आगे आ जाओ, इसका सिद्धांत देखो, डायनेमो एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वो क्या था, विद्युत ऊर्जा को आप क्या बटन चालू करते थे, पंखा घूमता था, अब ये क्या करोगे, जनरेटर चालू करोगे, बिजली आएगी, लाइट जलेगी, है ना, शादी पार्टी में लाइट जलाने के लिए हम यही यूज करते हैं, ठीक है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है ना, मतलब क्या है, आप चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र डेवलप कर दो, उसमें गति कराओ, तो क्या होगा, धारा अपने आप बहने लगेगी, ठीक। इस सिद्धांत का उपयोग घरों तथा उद्योगों के लिए अत्यधिक परिमाण की विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। अब ये आपके डायग्राम बुक में दिया हुआ है ना, इसी को क्या है आपको बनाना है, तो चलो हम अपने बना लेते हैं डायग्राम भाई, चलो यहां पे डायग्राम बनाना बता देती हूँ, सेम वैसी है, ठीक। इसको भी, ये भी क्या घूमेगा तब बिजली उत्पन्न करेगा, तो इसमें भी क्या लगाओगे, दिक परिवर्तक। इसको भी क्या, तार ना उलझे इसलिए क्या लगाओगे आप, ब्रूश लगाओगे। अब इसको क्या करोगे, तार से जोड़ दोगे, ठीक। अब देखो ये ए बी, सॉरी
बी सी डी, ठीक। अब इसमें भी क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ जाएंगी, ठीक। नॉर्थ से साउथ गई, अब राइट हैंड चुंबकीय बल रेखा ऐसे जा रही है, ठीक। गति आप ऊपर की ओर कराओगे तो धारा किधर, इधर बहेगी, ठीक। ये देखो गति आप ऊपर लगाए, चुंबकीय बल रेखा इधर जा रही है नॉर्थ टू साउथ, तो धारा क्या है, इधर आएगी, ठीक। अब इधर आ जाओ, ये वाले साइड आ जाओ, ठीक। चुंबकीय बल रेखाएं अभी भी किधर है, अब इधर है, ठीक है, इधर की ओर है, ठीक। आप इसको ऊपर की ओर करोगे तो धारा क्या आएगी, इधर आएगी। चुंबकीय बल रेखाएं इधर जा रही है, इसको नीचे करें तो क्या होगा, चुंबकीय प्रेरण इधर आएगा, ठीक। तो इधर हुआ, इधर धारा बहने लग गई। अब क्या किए, दिक परिवर्तन उल्टा कर दिया, ये ऊपर ये नीचे, फिर क्या होगा, धारा इधर से इधर आने लगेगी। तो धारा इसमें क्या है, एक बार इधर से ऐसे जाएगी, दूसरी बार इधर से इधर आएगी। तो इसमें धारा क्या है, दिशा चेंज कर रही है। मैंने बताया था ना एसी, एसी करंट क्या होती है, अपनी दिशा चेंज करती है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एसी जनित्र, मतलब प्रत्यावर्ती जनित, क्योंकि ये क्या है, दिशा अपनी बदलती रहती है। तो यही क्या होता है, डायनेमो का काम होता है, ठीक है। देखो ये था क्या, नॉर्थ और साउथ ये इधर जाएंगी, ठीक हो गया। आपने यहाँ पे क्या किया, रख दिया, ठीक। अब ये बल रेखाएं हैं, ठीक, बल रेखाएं हैं, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है, बल इधर लगा, ठीक, ऐसे। तो करंट किधर फ्लो होगा, आपने इसको ऊपर फ्लो किया, ठीक, बल ऊपर की ओर लगाया तो करंट इधर फ्लो होना शुरू हुआ। अब आ जाओ इधर, ठीक, ये बल रेखाएं हैं, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूं, देख लो, ठीक, बल रेखा इधर गई, बल रेखा इधर जा रही है, तो करंट किधर फ्लो होगा। अब हमने क्या किया, कुंडली को नीचे किया, बल रेखा इधर गई, इधर से इधर जा रही है, यहां पे इस वाले प्लेट को हमने क्या, नीचे की ओर ढकेला, तो क्या होगा, करंट इधर फ्लो होगा। तो अब क्या किया, इसको जस्ट उल्ट पलट दो, तो करंट इधर से फ्लो होगा और ये इधर आएगी। तो यही क्या होता है, आर्मेचर का काम क्या होता है, इसको दिशा में परिवर्तित करना। तो एक बार क्या हुआ, हमने एबीसीडी को इधर नीचे किया और इसको ऊपर किया, उसके बाद क्या किया, इसको नीचे किया, इसको ऊपर किया, तो धारा एक बार ऐसे बही, दूसरे बार ऐसे बही, तो क्या हुआ, इसमें कौन सा करंट आ रहा है, एसी करंट, जो क्या है, बार बार दिशा बदल रहा है। तो यही क्या है, डायनेमो का काम होता है, ठीक। चलो अब इसके सिद्धांत पे आ जाओ, कार्यप्रणाली। मान लीजिए किसी समय कुंडली एबीसीडी क्षैतिज अवस्था में है, जैसे हो, जैसे कुंडली को घुमाया शुरू करते हैं, ए बी ऊपर की ओर, सी डी नीचे की ओर, नीचे जाना प्रारंभ करता है, ठीक है। ए बी ऊपर आता है, सी डी नीचे जाता है, ठीक। इससे प्रेरित धारा ए से बी व सी से डी की ओर प्रभावित होने लगती है। तो धारा कैसे, आपने इसको ऊपर किया, नीचे किया, तो धारा क्या है, ए से बी फिर सी से डी आती है, ठीक। जो वाले आर वन व आर टू से होकर ब्रुश बी वन द्वारा परिपथ में जाती है, क्या हुआ, यहां से जोड़े थे, तो ये क्या इधर से आएगी, फिर R1 और R2, यही हमारे क्या अधिक परिवर्तक ब्रश से करंट उसमें आएगी, ठीक। आधे परिक्रम के पश्चात ए बी भाग नीचे की ओर, अब क्या होगा, ए बी नीचे आएगा, सी डी ऊपर आएगा, तो क्या होगा, धारा की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। फिर क्या होगा, R1 और R2 से ये फिर क्या इसमें आएगी, विपरीत दिशा में प्रभावित होती है। इस प्रकार धारा का प्रवाह परिक्रम के आधे भाग में एक तरफ और आधे भाग में दूसरे की तरफ होता है, इसलिए इसे उत प्रकार की उत्प्रेरित धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इस प्रकार जनित को प्रत्यावर्ती जनित कहते हैं, क्योंकि धारा एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये क्या हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है। तो यही क्या होता है, डायनेमो का काम होता है, क्या, विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। जो आपने विद्युत मोटर समझ गया तो ये भी समझ जाओगे, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस करके देखना, नहीं आएगा तो फिर से उसको ये वाले डेफिनेशन को पढ़ लेना, ठीक। चलो आगे आ जाओ, जनित्र, डायनेमो और मोटर में क्या अंतर है भाई। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जनित्र में सर्पी वलय का उपयोग होता है, मोटर में विभक्त वलय दिक परिवर्तक का उपयोग होता है, ठीक। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बल लगता है उसके सिद्धांत पर काम करता है। इसमें क्या है, बल लगाते गति करते हो, ठीक है, गति कराते हो, चुंबकीय क्षेत्र डेवलप करते हो, तो क्या होता है, धारा उत्पन्न होती है। बल्कि इसमें क्या है, धारा है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसके कारण क्या है, बल लगता है, ठीक।
यह विद्युत का उत्पादन करता है, यह मिक्सी कूलर आदि उपयोगों में किया जाता है। तो ये दोनों में क्या है, अंतर होता है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, ठीक है, ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा बदलता रहता है, ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलता। जनित्र से इसे प्राप्त करने हेतु जनित्र में सर्पी वलय का उपयोग किया जाता है, जनित्र से इसे प्राप्त करने के लिए विभक्त वलय का दिक परिवर्तक लगाया जाता है। घरों में प्रयुक्त धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है, सेल से प्राप्त होने वाली धारा दिष्ट धारा होती है। भारत में घरों में प्रयुक्त होने वाली धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, इस धारा की आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है। क्यों? क्योंकि ये नहीं करती है, सीधा फ्लो होती है। ठीक, इसके और लिख सकते हो कि ये सिर्फ विद्युत प्रदर्शित करती है, ये उष्मी तापी एवं विद्युत प्रवाह तीनों को दर्शाती है। ठीक, तो ये इन दोनों में अंतर हुआ। बच्चों, आपका पूरा विज्ञान आज खत्म होता है। ठीक है, हमने क्या, मैंने आपको क्या परावर्तन अपवर्तन समतल सतह से, परावर्तन अपवर्तन गोली सतह से, विद्युत और विद्युत चुंबकीय उद्युत के चुंबकीय प्रभाव, ये चारों चैप्टर कराया। हरीश सर ने 2 फिजिक्स के चैप्टर कराए। आज आपका पूरा फिजिक्स कंप्लीट होता है। इसके बाद कुछ डाउट होता है तो आप हमको कॉल करके पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, और इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगी, तीनों क्वेश्चन के कैसे लिखने हैं, कैसे डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, ये चैप्टर समझ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पेपर कैसे एनालिसिस के कैसे लिखने हैं, कैसे मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कितने लाइन लिखने हैं, क्या चीज़ों से नंबर कट सकते हैं, क्या चीज़ें नंबर आएंगी, ये सब पे हम क्या है एक वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद भी लगता है कि कुछ चीज़ें और जानना है मैडम सर जो भी, तो आप हमें कमेंट करके बात कर सकते हो। आपको पूरा, जब तक पेपर खत्म नहीं होता हम आपका साथ देंगे। अभिप्सा आपकी आज ही नहीं, 10वीं में भी, 11वीं में भी साथ देगी। ठीक है, तो अभिप्सा से इसी तरह से जुड़िए रहिए। अभिप्सा का मेन उद्देश्य आपको छत्तीसगढ़ के बच्चों को ऊपर लेके आना है और उनको एक बेहतर शिक्षा देकर एक अच्छे जीवन की ओर लेके जाना है। ठीक है, एज अ करियर काउंसलर मैं आपको इस पढ़ाई के साथ साथ आगे करियर की पाथ बताते चलूंगी। आप इन दिए हुए नंबरों पे कॉल करके करियर रिलेटेड जो भी चीजें हैं आपके पेपर के बाद, अभी नहीं, पेपर के बाद आपको करियर रिलेटेड जो भी है, काउंसलिंग कराना है, सब्जेक्ट क्या लेना है क्या नहीं, जो भी पूछना है आप हमसे जुड़ सकते हो और सभी तरीके की जानकारी मेरे से ले सकते हो। ठीक है, किसी भी तरीके से पेपर में स्ट्रेस भी हो रहा है आप मुझे कॉल करके बात करो, मैं आपके हर क्वेरी हर डर को दूर करने की कोशिश करूंगी। तो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। साइंस SST आज आपका पूरा खत्म होता है। अब क्या करना है आपको, सिर्फ घर में बैठ के अच्छे से पढ़ाई करनी है, जितनी चीज हो सके प्रैक्टिस करो और अपने बेस्ट से बेस्ट दो। यही शिक्षण है जो आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो और आपके अंदर प्रेरणा से क्या होता है, हमें बहुत सारे बल लगाने पड़ते हैं, गति करनी पड़ती, नहीं, स्वप्रेरणा से। अपनी अभिप्सा का मतलब क्या है, स्वप्रेरणा, किसी चीज़ को पाने की प्रबल इच्छा, ये इसीलिए अभिप्सा है। आपके अंदर जो प्रबल इच्छा है छत्तीसगढ़ के बच्चों की कि हमें कुछ करना है, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं जो सोचते हैं कि मुझे बहुत कुछ करके दिखाना है लेकिन हमें चीज़ें नहीं मिलती, उस वजह से हम पीछे होते हैं हिंदी माध्यम के बच्चे, उनके लिए अभिप्सा है। तो आप अभिप्सा के बच्चे हो अब, और अभिप्सा के बच्चों को आके बहुत जरूर तक जाना है। ये हमारी क्या जनरली स्टार्ट है, हम 10वीं के बाद 11वीं 12वीं जहाँ भी जाएंगे अभिप्सा आपका साथ देगी। तो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करो और जो भी डाउट है क्लियर करते चलो, हम कमेंट में मैसेज में जिस तरीके से भी हो जुड़े रहो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।